तो दोस्तों आज हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा मानने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अपन तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बाणगंगा और खमनोर पहाड़ियाँ, ये ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है चंबल नदी की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है कि वापणी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है यह सहायक नदी है चंबल नदी की। अगला सवाल है कि अनास एक तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदियां हैं माही नदी की। अगला सवाल है कि कवास में बाढ़ का पानी किस नदी का था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कवास में बाढ़ का पानी किस नदी का था, तो यह था लूणी नदी का। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो स्थित है यह स्थित है माई नदी के किनारे। ठीक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रसिद्ध तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है माई नदी के किनारे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो वह नदी है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह नदी है घग्गर नदी। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न की, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं किस नदी को, तो आपको याद रखना है यह कहते हैं बनास नदी को। क्या कहते हैं? वन की आशा। अगला सवाल है कि भीमलत जलप्रपात अवस्थित है? तो भीमलत जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर? तो यह अवस्थित है कहाँ पर? तो मांगली नदी पर। ठीक है, मांगली नदी पर अवस्थित है कौन सा जलप्रपात? तो जलप्रपात है भीमलत जलप्रपात। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह है जोजरी नदी। ठीक है, जोजरी नदी है जो माही नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो वह है बिजराल पहाड़ियाँ बनास। ये जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? तो वह नदी है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती जो नदी है वह राजस्थान से होकर नहीं बहती है। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है यह कहा जाता है बाणगंगा नदी को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है बाणगंगा सेवर पहाड़ियाँ। ठीक है, ये जो हैं ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो वह नदी है डाई नदी। अगला सवाल है कि वाकल मेसुरा और अथमती सहायक नदियां हैं, तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। अगला सवाल है कि परवन निवाज और साहू सहायक नदियां हैं, तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह सहायक नदी है काली सिंध की। अगला सवाल है कि जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? तो यह सीमा बनाती है पाली एवं सिरोही जिले की। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो वह नदी है साबी नदी। ठीक है, साबी नदी है जो लूणी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चंबल बेसिन। अगला सवाल है कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित हैं? तो ये दोनों बांध अवस्थित है किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध है जो किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है चंबल नदी पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ तीन नदियों का संगम होता है? तो वह जिला है
डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर वह जिला है जहाँ पर तीन नदियों का संगम है जो होता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बजाज सागर बांध है जो किस नदी पर बना है, तो यह बांध बना हुआ है माई नदी पर। अगला सवाल है कि कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है, तो इसका इसका जो संबंध है वह है बूंदी जिले से, किस नदी का, तो कुराल नदी का। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, तो यह सीमित है बनास नदी का। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है, तो वह नदी है मेड़ा नदी, ठीक है, मेड़ा नदी है जो सांबर झील में मिलती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।